हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटपैड ओपन किया मैंने, तो यहाँ पर कुछ कोड लिखता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सी स्टाइल शीट है। जैसे सीएसएस मैंने आपको बताया है, और सीएसएस तीन तरीके का हो सकता है, तीन तरीकों से सीएसएस का कोड लिख सकते हैं। एक तो इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरा इंटरनल स्टाइल शीट, और तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो जो ये कोड है वो कौन से तरह का है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड मैंने लिखा है और अब इसको मैं जा रहा हूँ सेव करने, तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। ये नोट पैड पे लिखा मैंने, आप चाहे तो वीएस कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पीएचपी सीखते हैं तो वीएस कोड भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी नाम से इसको सेव कर देता हूँ, .html लगा करके, ठीक है। तो इतने से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस तरह का कोड मैंने लिखा है। ये या तो इनलाइन हो सकता है या तो इंटरनल हो सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस टाइप का है, इनलाइन है या इंटरनल है। सेव कर दिया, अब आएंगे यहाँ पर और इसको और यहां से इसको ओपन करते हैं। तो डबल क्लिक करके ओपन कर दिया इसको और ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। देख सकते हैं यहां पर बैकग्राउंड, अब जैसे मैं यहां पर लेके जाता हूं तो ये जो है ब्लू हो जाता है। देख सकते हैं यहां पर लेके गया मैं, ये ब्लू हो गया। इसके पीछे का रीजन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो होवर बॉक्स लगाया ना, बॉक्स होवर और बैकग्राउंड कलर सियान, आप यहां से आप चेंज करेंगे ना तो जो भी बैकग्राउंड आप लगाएंगे वही बैकग्राउंड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर कलर चेंज करेंगे तो आपके टेक्स्ट का कलर बदलेगा। तो जैसे देखिए मैं दिखा देता हूं, यहां पर अगर मैं रेड कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर किया रेड और इसको कंट्रोल एस कर दिया, अब इसको सेव कर दिया मैंने। और अब एक बार और इसी प्रोग्राम को हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है ऊपर का दोनों लर्न विद सूरज सर ये जो है रेड कलर में आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर अब बैकग्राउंड जो है ब्लू आ रहा था, सियान कलर का आ रहा था। अभी मैं क्या करता हूं, यहां से चेंज करता हूं वापिस से, ठीक है। तो यहां पर जाकर के हम इसको चेंज करेंगे, तो ये आया यहां पर, ठीक है। और यहां से इसको चेंज करते हैं, यहां पर मैं क्या दे देता हूं, ग्रीन दे देता हूं, GREEN, ये ग्रीन लिख दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या करना है आपको, यहां से इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश किया, अब देखिए यहां पर बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, देख सकते हैं।